हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करूंगा। अब से अराउंड 6-7 इयर्स पहले की बात है। मेरे नोन में मेरी एक नेबर थी, एक आंटी थी। वो अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही थी और वो जब भी मुझसे मिलती थी तो वो एक डायलॉग बोलती थी, नानक दुखिया सब संसार, सभी दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूँ। उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम था वो ये था कि उनके मैरिज में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। उनके हस्बैंड के कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे, उनके पास प्रूफ भी था, एक लीगल वो प्रोसीजर में एक प्रोसेस में थी जिसमें वो क्लेम कर रही थी और जो भी अपने हस्बैंड से अपने फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल राइट मांग रही थी। ये सब कुछ उनकी लाइफ में चल रहा था। काफ़ी दुखी रहती थी और वो एक ही बात बोलती थी, नानक दुखिया सब संसार। सो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम होते हैं, क्या उसका सॉल्यूशन अध्यात्म में है, और हमारी लाइफ में हम लोग जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं उसका रूट कॉज क्या होता है और किस तरीके से हम लोग उसको वाकई में जड़ से खत्म कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक राठौर, ऑथर एंड न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सपर्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या हमारी सभी समस्याओं का समाधान अध्यात्म में है, धर्म में है, और कैसे हम लोग अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, चाहे वो हमारी आर्थिक हो, चाहे वो हमारी रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो। सबसे पहले मैं आपको दो फैक्ट शेयर करता हूँ। फैक्ट नंबर 1, आपकी सभी समस्याओं का समाधान अध्यात्म में, धर्म में नहीं होता है। दिस इज फैक्ट नंबर 1। देन फैक्ट नंबर 2, हमारी कुछ ऐसी समस्या होती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका समाधान केवल और केवल अध्यात्म या धर्म या स्पिरिचुअलिटी में ही होता है। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। हम लोग दो सॉल्यूशन की बात करेंगे। पहली उन समस्या के बारे में जिनका सॉल्यूशन अध्यात्म में, धर्म में, स्पिरिचुअलिटी में नहीं होता है। सो फैक्ट 1 मैंने शेयर किया था कि हमारी ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो अध्यात्म में नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है उनका जो कारण होता है वो होता है हमारी सोच में, हमारी थिंकिंग पैटर्न में, हमारे बिलीफ में, हमारे जो भी विश्वास होते हैं उसमें, हमारी हैबिट में, जो भी हमारे हैबिचुअल पैटर्न्स होते हैं, हमारी जो आदतें होती हैं उसमें, और चौथा हमारे व्यवहार में, हमारे एक्शंस में। हमारी जो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है उसका जो जड़ होता है इन चार जगह पे होता है। तो इन चार चीज़ों को इम्प्रूव करके, सीख के, समझ के, बेहतर करके आप अपनी ज़िंदगी की 70-80% प्रॉब्लम को आप ख़त्म कर सकते हो। अपने सोच को, अपने थिंकिंग पैटर्न को बेहतर करके, दूसरा अपने बिलीफ को इम्प्रूव करके। जैसे मैंने एक स्टोरी शेयर किया था, उसमें उनका एक बिलीफ था कि नानक दुखिया सब संसार। तो जो भी थॉट हम लोग बार बार बोलते हैं वो हमारे बिलीफ बन जाते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है इससे वो अपने माइंड को सिग्नल दे रहे हैं कि दुखी तो सभी होते हैं तो मैं भी हूँ तो कोई बात नहीं, दुखी तो सभी होते हैं तो मैं भी हूँ तो कोई बात नहीं। मतलब वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं, अपने आप को रेडी कर रही हैं कि ठीक है, दुख तो लाइफ का नेचर है तो मेरी लाइफ में भी है तो कोई बात नहीं। लेकिन द फैक्ट इज, दुख लाइफ का नेचर नहीं है। दुख हमारे गलत सोच, हमारे गलत आदत, हमारे गलत व्यवहार, हमारे गलत बिलीफ, हमारे गलत तरीके से जीने का बाई प्रोडक्ट है, आउटकम है। दुख नेचुरल नहीं है। लेकिन हम लोग अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं, हम लोग हार जाते हैं, तो हम लोग एक ऐसी बिलीफ बना लेते हैं जिसको हम लोग एज ए ढाल की तरह यूज़ करते हैं। क्योंकि हम सभी लोग कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपने ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं। हमें दुनिया को ये दिखाना होता है कि हम तो समझदार हैं, तो इस वजह से हम लोग कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं। तो इन चार चीज़ों को इम्प्रूव करके आप अपनी लाइफ के 70-80% इशूज़ को आप फिक्स कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन नंबर 2 के बारे में, या इसको भी ऐसे कह सकते हैं कि जो एडवांस लेवल होता है। जैसे ज़्यादातर जो भी सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम लोग एक बेसिक बोल सकते हैं। ज़्यादातर इश्यूज हम लोग की लाइफ में जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, जिनको हम लोग अपने माइंड के लेवल पे हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और हम लोग वहीं पे वीक होते हैं, इसलिए हम लोग अपनी ज़्यादातर प्रॉब्लम को फिक्स ही नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन नंबर 2 के बारे में, क्योंकि हम लोग की लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका जो समाधान है वो केवल अध्यात्म या धर्म या स्पिरिचुअलिटी में छुपा होता है। तो केवल इसी कारण से और इस कारण से ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, ह्यूमन खत्म हो जाएगा, लेकिन धर्म नहीं खत्म होगा, अध्यात्म नहीं खत्म होगा, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और इस ये जो अध्यात्म का जो साइंस है ये एक मिस्टीरियस साइंस है, ये बहुत गूढ़ साइंस है, लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट साइंस भी है ये।
और इसमें क्षमता होती है कि हमारे जो कुछ बहुत गहरे घाव होते हैं उनको हील करने की, उनको भरने की क्षमता इस साइंस में होती है। और इस साइंस की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो ये होती है कि ये जो अध्यात्म है वो उस मतलब जैसे ये जो पर्सन स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व है वो इसके रहस्य को जान पाता है, जो पर्सन सेंट है, स्पिरिचुअल ग्रोथ जिसकी बहुत अच्छी है, वो इसके गहरे रहस्य को वो अनुभव कर पाता है, वो समझ पाता है। और जब वो जाता है, जब उसकी डेथ होती है, तो वो सारी जो रहस्य हैं, सारी जो मिस्ट्रीज हैं वो उसके साथ ही चली जाती हैं। इसीलिए हमने हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं, हमारे समाज में हमेशा ये कोशिश हुई है कि जो भी स्पिरिचुअली साउंड पर्सन है वो जो भी अपने अनुभव है वो उसको लिख दे, वो लिख दे ताकि उसके जाने के बाद भी हम लोग उसको स्टडी कर सकें, उसको समझ सकें और उससे अपने अपनी गहरी समस्याओं का हम लोग समाधान ढूंढ सकें। इस समाधान को मैं थोड़ा सिंपल वर्ड्स में कन्वे करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये करता क्या है कि जैसे कई बार हम लोग कुछ समस्या से गुजर रहे होते हैं, कुछ परेशानी से गुजर रहे होते हैं, तो जब हम लोग किसी समस्या से गुजर रहे होते हैं, किसी परेशानी से गुजर रहे होते हैं, तो हम लोग किसी समस्या को किस तरीके से देखते हैं, हमारा जो नज़रिया होता है वो बहुत अलग होता है। तो कई बार जो प्रॉब्लम होती है हमारे नज़रिए में प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या होता है कि कुछ प्रकृति के रहस्य होते हैं जिसकी हमें जानकारी नहीं होती है, जिसकी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन इस साइंस में छुपी होती है। तो जैसे ही कोई भी सेंट, कोई भी इनलाइटेंड पर्सन आपको उधर की तरफ, जब एक बार आपको उधर की तरफ इशारा करता है, वो मैसेज कन्वे करता है, या जब आप उस बात को समझ लेते हो बस, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये इसका जो विजडम है, इसकी जो गहरी समझ है जिंदगी के प्रति, ह्यूमंस के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, लाइफ के अलग अलग पहलू के प्रति, प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति, गॉड के प्रति, वो एक हीलिंग एलिमेंट का काम करती है। सो ये दो तरीके हैं जिससे हम लोग अपने प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। पहला तरीका जिसका बड़ा रोल होता है, जो कि हमारे माइंड, बिलीफ, हैबिट, थिंकिंग और हमारे एक्शन से जुड़ा होता है। और जो दूसरा तरीका होता है जिसका जो आंसर है वो हम लोग के अध्यात्म या धर्म में छुपा होता है। अब मैं आपको एक 3 स्टेप का प्रोसेस बताता हूँ जो आपको फॉलो करना है, जिसको फॉलो करके आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं और अपनी बहुत से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आपको थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है। आपको अहोभाव को, थैंकफुलनेस को समझने की और इसको जीने की कोशिश करना है, इसको अपने आर्ट ऑफ लिविंग में लाना है। सो स्टेप नंबर 1, थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस। स्टेप नंबर 2, आपको तेरी मर्जी की प्रैक्टिस करना है। ये स्पिरिचुअल रियलम की चीज़ें हैं। आपको अपनी थिंकिंग में इसको समझने की कोशिश करना है, इसको जीने की कोशिश करना है। आपको कोशिश करना है कि आपकी लाइफ का जो सेंटर हो वो गॉड हो, वो यूनिवर्स हो। आपको अपनी इसको अपनी थिंकिंग में लाना है। तो जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो तो भी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि तेरी मर्जी, और आपकी लाइफ में स्पेशली अगर कुछ भी बुरा हो तो उसको भी आप वहाँ पे सेंटर कीजिए, फोकस कीजिए, चैंटिंग कीजिए कि तेरी मर्जी। तो हर चीज़ को आप उसके ऊपर डालना शुरू कीजिए। सो ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। और आपकी लाइफ में जो पेन है कई बार, वो पेन आपको उतना परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो फोकस है ना वो बहुत एक पॉजिटिव चीज़ पे है। नाउ स्टेप नंबर 3, जो कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप स्टेप वन और स्टेप टू को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो स्टेप 3 को भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। वो है गॉड रिमेम्बरेंस, एक शब्द है जिसको बोलते हैं सिमरन। इसकी हमें कोशिश करना है, इसमें हमें उतरने की कोशिश करना है। ये 3 स्टेप का प्रोसेस है जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हेल्प करेगा और आपके जो डीपर वाउंड्स हैं, जो आपके जो गहरे घाव हैं, उसको भी हील करने की क्षमता है इस 3 स्टेप के प्रोसेस में। सो आपने यहाँ तक ध्यान से सुना, ध्यान से समझा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो भी आपने सीखा, इस ये आपके सबकॉन्शियस लेवल पे बैठ पाए, ये आपकी लाइफ को ड्राइव कर पाए, आप इसको बेस्ट यूज़ इसी मोमेंट से करना शुरू कर पाएँ, उसके लिए एक टेक्निक है जिसको मैं बोलता हूँ मेटा पावर टेक्निक। आपने जो भी सीखा उसको कमेंट में आप उसको लिखिए, जो भी लर्निंग है, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, आप उसको लिखिए। ये आपको हेल्प करेगा इसको बेस्ट वे में यूज़ करने में। बहुत बहुत थैंक यू।